हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एगेरिकस, जो कि एक फंजाई है जिसको कि कॉमनली हम मशरूम्स के नाम से भी जानते हैं। तो डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो फंजाई से हमारे हर बार कई सारे जनरा हैं ऐसे जिनसे हर बार कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे सिलेबस में भी गिवन है, जैसे कि TGT के एग्जाम्स में, PGT एग्जाम्स में, LT या फिर GS के एग्जाम्स में हर बार कई सारे क्वेश्चन इन फंजाई से पूछे जाते हैं। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को। सबसे पहले हम इसका सिस्टमेटिक पोजिशन अगर देखें, क्योंकि देखो कोई भी जनरा है वो एनिमल से है या फिर वो प्लांट से है, सबसे पहले हम उसका सिस्टमेटिक पोजिशन देखना होता है कि वो एग्जिस्ट कहाँ करता है। दैट मीन्स कौन सा ऑर्डर है, कौन सी फैमिली है, कौन सा उसका फाइलम है, ये सब चीज़ें हमें सबसे पहले देखनी होती हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें तो किंगडम फंजाई के अंदर आते हैं एगेरिकस। फाइलम की अगर बात करें तो किंगडम फंजाई जो है ना, कई सारे फाइलम्स में डिवाइडेड है। ये मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। तो फाइलम बेसिडियोमाइकोटा के अंदर एगेरिकस को रखा गया है। क्लास होती है इनकी बेसिडियोमाइसिटीज और ऑर्डर है एगेरिकल्स। फैमिली होती है एगेरिकेसी और जिनस जिसको कि इटैलिक फैशन में लिखा जाता है, इट इज कॉल्ड एगेरिकस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम हैबिटेट के बारे में अगर बात करें, क्योंकि देखो हमको पर्टिकुलर एक एक चीज़ पढ़नी, कैसे लाइफ साइकिल होता है, कैसे इनमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, इनके हैबिटेट कैसे होते हैं, बेसिडियोस्पोर कैसे होते हैं, तो हर चीज़ बेसिडियोकार बेसिकली सब चीज़ अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं और हम हर एक पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करने वाले, ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारे इन सेशन से बाहर नहीं जाए। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी के साथ पूरा सेशन देखना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले अगर हम बात करें जो जेनस है ना एगेरिकस, इसका एक अनदर नेम है, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन बहुत बार हमको ना ऑप्शन दे दिए जाते हैं और हमको पता नहीं होता हम एगेरिकस का अनदर नेम भी कोई है। ठीक है, अभी नोट करते चलना है कि जो जेनस है एगेरिकस, इसका दूसरा नाम होता है सेलियोटा। सेलियोटा कहें एगेरिकस कहें, एक ही बात होती है। तो ऑप्शन में अगर सेलियोटा है तो भी आपको टिक लगा कर आना है, क्योंकि इसका अनदर नेम यही होता है। बेसिकली आप सभी जानते हैं कि फंजाई कैसे सेप्रोफाइट फंगस, यानी कि जो सड़ा गला ऑर्गेनिक मैटर होता है उन पर ये ग्रो कर जाते हैं, है ना। जैसे कि ये कहाँ ग्रो करते हैं, डैम प्रोटन लॉग्स, यानी कि जो वुड होते हैं ना लकड़ियों का, जो लकड़ियाँ सड़ जाती है, थोड़ा ढेर जो खराब हो जाता है वहाँ पर उग जाते हैं, और थोड़ा जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऐसी मिट्टी जिसमें कि ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, या फिर मैन्योर पाइस का मतलब जो खाद का ढेर होता है, वहाँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। जो फंजाई होते हैं बेसिकली एगेरिकस जो है, ऐसी जगह पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो करते हैं, तो यह इनका हैबिटेट होता है। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें तो इट इंक्लूड्स मैनी स्पीसीज, द मेजोरिटी ऑफ देम बीइंग एडिबल, यानी कि जो एगेरिकस है इसकी बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो कि खाने योग्य होती हैं। ठीक है, देखते हैं आगे इसके बारे में भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो एगेरिकस की एक स्पीसीज है, बहुत ही कॉमन स्पीसीज है, दैट इज कॉल्ड एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस। ये जो बेसिक ये स्पीसीज है, इसको हम कॉमनली फील्ड मशरूम्स के नाम से भी जानते हैं। और ये पता है कहाँ, किस जगह पर, ये मतलब कि जो ग्रासी फील्ड्स होते हैं या फिर ऐसी मतलब कि बारिश के मौसम में उग जाते हैं, ऐसी जगह पर जहाँ ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है। और ये जो एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस है, ये एडिबल होता है, यानी कि ये खाने योग्य होती हैं जो स्पीसीज है एगेरिकस की। साउथ इंडिया में इनकी खेती भी की जाती है मशरूम्स की। ठीक है, और भी साउथ इंडिया के बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर इनको उगाया जाता है। हम अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो 25 ऐसी स्पीसीज हैं एगेरिकस की जो कि हमारे इंडिया से रिपोर्ट की गई, यानी कि एगेरिकस की 25 स्पीसीज हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को हर एक पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन बताना, फीडबैक बताना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की, तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो होता है बेसिकली, ये बॉडी कैसे होती है, माइसीलियम है। माइसीलियम समझते हैं, माइसीलियम क्या होता है बेसिकली, वही फिलामेंटस बॉडी होती है, थोड़े फाइन फिलामेंट्स जो होते हैं उसकी इनकी बॉडी बनी हुई होती है, हाइफी जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनको पॉपुलरली मशरूम्स के नाम से जानते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एगेरिकस हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, उनको हम मशरूम्स के नाम से भी जानते हैं। माइसीलियम क्या होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसमें कि ब्रांच थ्रेड लाइक हाइफी होते हैं। अब एक बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इसका खाने योग्य भाग होता है मशरूम्स का वो कौन सा होता है, तो एडिबल पोर्शन जो है, जिसको कि जो एरियल फ्रक्टिफिकेशन है, जिसको कि हम बेसिडियो कार्प कहते हैं, तो मशरूम्स के यानी कि एगेरिकस के जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है इसका बेसिडियो कार्प। बेसिडियो कार्प इसका एडिबल पोर्शन है, जो कि कब प्रोड्यूस होता है, जब वो मेच्योरिटी पर आते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन के टाइम पर बेसिडियो कार्प प्रोड्यूस होते हैं, वही इनका एडिबल पोर्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी जो सेल्स होती हैं, इन हाइफी की जो सेल्स होती है, हाइफी समझ रहे, जो प्लांट बॉडी होती है इनकी, इनकी जो सेल्स होती है वो कैसी होती हैं, इनकी सेल्स होती है यूनी न्यूक्लिएट, यानी कि सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसमें कि ग्रेन्युलर वैक्यूलेटेड प्रोटोप्लाज्म, जिसमें कि कुछ फूड स्टोर के तौर पर
ऑयल ग्लोब्यूल्स भी रहते हैं जो कि खाने को स्टोर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जो प्राइमरी माइसिलियम होता है ना, ये थोड़ा टेम्प्रेरी टाइप होता है, मतलब परमानेंट नहीं होता, कुछ टाइम के लिए ही वैलिड होता है सिर्फ। जब ये डेवलप प्राइमरी माइसिलियम डेवलप उसके बाद प्राइमरी माइसिलियम के बाद सेकेंडरी माइसिलियम डेवलप होता है, जिसके साथ साथ उसमें जो प्राइमरी सेकेंडरी माइसिलियम है उसमें बाई न्यूक्लियेट सेल्स होंगे, यानी कि डबल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जो किसका रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट होता है डाइकैरियोटाइजेशन का। अब क्वेश्चन अराइज होता है आपके माइंड में कि डाइकैरियोटाइजेशन क्या होता है, तो हर एक टर्म को हम समझाने की कोशिश करेंगे। डाइकैरियोटाइजेशन का मतलब होता है कि जब कोई होमोकैरियोन कन्वर्ट होता है डाइकैरियोन में, होमोकैरियोन कन्वर्ट होता है डाइकैरियोन में, उस कंडीशन को हम कहते हैं डाइकैरियोटाइजेशन। अब कैरियोन क्या होता है भाई, जो कैरियोन है ये एक ऐसा सेल का पार्ट होता है जिसमें कि डीएनए भी है, आरएनए भी है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो कैरियोन है कि ग्रोथ हो और रिप्रोडक्शन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहते हैं, तो इसे कहते हैं कैरियोन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनमें होता क्या है, जो डाइकैरियोटाइजेशन होगा या तो वो होगा हाइफा के फ्यूजन से, या फिर होगा ओइडियम और सोमेटिक हाइफा के फ्यूजन से। ओइडियम क्या है, बेसिकली जो ओइडियम है ये असेक्सुअल स्पोर होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी माइसिलियम मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी माइसिलियम वो तो थोड़ा टेम्प्रेरी टाइप होता है, लेकिन जो सेकेंडरी माइसिलियम है ये परमानेंट होता है, मतलब कि कुछ सालों के लिए बना रहता है। ठीक है, अब जो सेकेंडरी माइसिलियम है इसकी अगर हम बात करें ये कैसा होता है, तो ये फिलामेंटस सेप्टेट का बना हुआ होता है। फिलामेंटस से समझते हो, तंतुवत जो होता है। सेप्टेट क्या होता है, कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिनके जो हाइफल होते हैं ना वो डिवाइड हो जाते हैं थोड़े थोड़े सेलुलर कंपार्टमेंट्स में, और वो कंपार्टमेंट किससे बनते हैं, वॉल्स से। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं सेप्टेट फंजाई, यानी कि जब सेल्स कंपार्टमेंट में बट जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली उसको कहते हैं कि भाई ये सेप्टेट फंजाई है। ठीक है, कुछ ब्रांच हाइफे भी होते हैं। इनकी जो सेल होती है ना सेकेंडरी माइसिलियम की, ये होती है बाइन्यूक्लिएट, ये हमने पढ़ा था, और ये कम्युनिकेट करती है दूसरे पोर्स की, मतलब कि दूसरे फंजाई से कम्युनिकेट करती है, एक सेंट्रल पोर होता है इनके सेप्टम में, उसकी वजह से कम्युनिकेट करते हैं दूसरे फंजाई से। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और बहुत जल्दी हम लोग अपना सिलेबस बॉटनी का भी कंप्लीट कर लेंगे। जूलॉजी हम कंप्लीट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 70-80% सिलेबस हमारा जूलॉजी का कंप्लीट हो चुका है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर आप सभी सेशन ले सकते हैं, विद प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आपके जो एग्जाम्स हैं, यानी कि टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स हैं, एलटी के एग्जाम्स हैं, जीआईसी के एग्जाम्स हैं, उनमें बहुत ही हेल्पफुल होंगे सेशन, तो आप सभी सेशन को बिल्कुल ध्यान से देखना है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं, यानी कि जो मशरूम्स हैं या फ्रूटिंग बॉडीज़ कहें, एक ही बात होती है, ये एक रिंग की फॉर्म में डबल, मतलब कि रिंग की इस तरह के एक रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वो भी लॉन एरिया फिर जो पास्चर्स होते हैं उनमें। इन सर्कल जो होते हैं मशरूम्स के, ये जो कुछ फेरी राइ लाइक, मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इनको हम कहते हैं फेरी रिंग्स। इन फेयरिंग रिंग्स को एक स्पेसीज है एगेरिकस की, जिसमें बहुत अच्छे से देखा गया है, उनको हम कहते हैं एगेरिकस फेनेरिमोसस। फेनेरिमोसस जो एक, मतलब प्रेयरिमोसस जो एक स्पेसीज है एगेरिकस की, उसमें जो फेयरी रिंग्स है ना बहुत अच्छे दिखाई देती है। मैंने स्ट्रक्चर भी लिया है, एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दूँ, देखो इस तरह दिख रहा है, कितना प्यारा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो है ना बिल्कुल एक सर्कल में एक गोला बना लेते हैं, जहां ये बिल्कुल ऐसे, देखो डांसिंग फेयरी डांसिंग इनको कहा जाता है, एक बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में ये ग्रो करते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख ही सकते हैं, तो थोड़ी नमी वाले जो भाग होते हैं हैबिटेट, मैंने आपको बताया वहाँ ग्रो करते हैं, तो प्रॉपर इनको फेयरी रिंग्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, पता है सर मैं डायग्राम के थ्रू इसलिए समझाना प्रीफर करती हूँ क्योंकि ना एक समझ बेहतर होती है, हम उस चीज़ से कनेक्ट कर पाते हैं, यदि हम किसी चीज़ को डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ें क्लियर होती हैं, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके लाइफ साइकिल की, भाई देखो अब हम बात करते हैं कि लाइफ साइकिल किस तरीके से होती है इनमें, तो दोनों ही तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं, असेक्सुअली भी एंड सेक्सुअली भी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक कॉमन सी बात पूछी जाती है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें ये कंप्लीट होता है, मतलब कि क्लेमाइडोस्पोर के बनने से इनमें ये रिप्रोडक्शन देखा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम डिस्कस करते हैं एगेरिकस के बारे में, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एगेरिकस यानी कि जो मशरूम्स होते हैं, इनमें कोई भी पर्टिकुलर सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं एगेरिकस में, क्योंकि देखो होता क्या है कि सोमेटोगेमी देखी जाती है। सोमेटोगेमी समझते हैं क्या होती है, सोमेटोगेमी का मतलब होता है कि जो फ्यूजन है सोमेटिक हाइफल, मतलब कि ये एक्ट करते हैं एज अ गैमीट, जिसमें कि दो सेक्सुअल कंपेटिबल माइसिलियम उसके लिए चाहिए होते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, गैमीट के बीच बेसिकली फर्टिलाइजेशन होगा, जिसको कि हम क्या कहेंगे, जिसको कि हम कहते हैं सोमेटोगेमी। तो कोई अलग से कोई सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप नहीं होते एगेरिकस में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसकी बहुत सारी स्पीसीज ऐसी होती है
एगेरिकस की, जो कि होती है हेट्रोथैलिक। हेट्रोथैलिक होमोथैलिक मैं आपको समझाती हूँ हेट्रोथैलिक क्या होता है। देखो हेट्रोथैलिक का मतलब होता है जिसके लिए आपको दो कंपेटिबल पार्टनर चाहिए होते हैं मैटिंग के लिए, ठीक है, तो वो तो होता है हेट्रोथैलिक। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि होमोथैलिक क्या होता है, तो होमोथैलिक का मतलब होता है कि फंजाई खुद ही सेल्फ फर्टाइल होते हैं, ठीक है। तो ये जो बहुत सारी स्पीसीज हैं एगेरिकस की वो कैसी होती है, हेट्रोथैलिक। ये सभी टर्म्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डाइकैरियोटिक कंडीशन जब इनमें देखी जाती है, तो डाइकैरियोटिक कंडीशन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भाई भाई डाइकैरियोटिक जिसमें कि होमोकैरियन हमारे कन्वर्ट होते हैं डाइकैरियन में। होमोकैरियन क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि ऐसी सेल जो कि डीएनए आरएनए और कुछ रिप्रोडक्शन के लिए तैयार रहती हैं, ठीक है। इसमें जो डाइकैरियोटिक कंडीशन कब अचीव होती है, जब फ्यूज़न होता है दो एक जैसे कंपेटिबल हाइफी का, या तो वो फ्यूज़न होगा ओइडियम या हाइफी के बीच, या फिर दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन से वो बिलोंग कर रहे होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, देखो क्या होता है, इनिशियल डाइकैरियोटिक कंडीशन जब होगी तो होगा क्या कि ये बाइन्यूक्लिएट माइसीलियम डिवीजन होता है, मतलब इनके बीच बाइन्यूक्लिएट माइसीलियम जब प्रोड्यूस होते हैं तो यही तो मेन करेक्टरिस्टिक होता है, जब ही तो बेसिकली प्रोड्यूस, जब जैसे ही बाइन्यूक्लिएट माइसीलियम प्रोड्यूस्ड होंगे तो यही बेसिकली सबसे मेन करेक्टरिस्टिक होता है कि जब बेसिकली निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे बेसिडियो कार्प प्रोड्यूस्ड होते हैं, ये सिर्फ तब प्रोड्यूस होंगे जब जो बाइन्यूक्लिएट माइसीलियम है वो बहुत सारा खाना स्टोर कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे और बहुत सारे फूड को अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं, तब जाकर ये क्या होते हैं बेसिडियो कार्प तब प्रोड्यूस होते हैं। तो बेसिडियो कार्प बेसिकली इनका खाने योग्य मेन पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट एक बार मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ कि डेवलपमेंट कैसे होता है बेसिडियो कार्प का। कुछ स्ट्रक्चर देखो, ये होती है बटन स्टेज, जो इनकी स्टार्टिंग की स्टेज होती है ना मशरूम्स के डेवलप होने की, उसको हम लोग कहते हैं बटन स्टेज। यहाँ पर जो ऊपर का पार्ट आप देख रहे हैं ये होता है पाइलियस, और जो इनकी आई लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड प्री फाल्मस चैम्बर, ये होते हैं इनके यंग स्टेज। इनके नीचे वाले भाग को हम लोग कहते हैं जो इनका धड़ वाला पोर्शन दैट इज कॉल्ड स्टाइप, ठीक है, और ये होते हैं गिल्स, ठीक है। ये आप यहाँ देख रहे हैं जो अम्ब्रेला का नीचे वाला पोर्शन दैट इज कॉल्ड वेलम, ये अम्ब्रेला का स्ट्रक्चर होता है ना, इसके नीचे वाला पोर्शन ये क्या होता है वेलम। वेलम को कई बार हमसे क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछा भी गया है, और ये होते हैं इनके गिल्स। ऊपर वाला स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड पाइलस, और नीचे वाला स्ट्रक्चर क्या है स्टाइप, जो कि इनका बेसिकली बेस होता है। स्ट्रक्चर हम यहाँ देख चुके हैं बेसिडियो कार्प किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये स्टेज है बेसिकली जिनके बाद मैच्योर कंडीशन आती है, और ये मैच्योर कंडीशन होती है सबसे स्टार्टिंग की कंडीशन होती है। नेक्स्ट अगर हम इसके इंपॉर्टेंट मतलब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर बात करें, तो उससे हर बार कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बात करते हैं उनके बारे में, मैंने अभी आपको बताया था कि एगेरिकस की बहुत सारी स्पीसीज ऐसी होती है जो कि खाने योग्य होती हैं और जिनको कल्टीवेट भी किया जाता है, मतलब कि जिनकी खेती की जाती है। साउथ इंडिया के ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जहाँ पर इनकी बेसिकली खेती की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनका जो एडिबल मशरूम है, मैंने आपको पहले बताया जो खाने योग्य एक मशरूम होता है वो कौन सा है, तो वो होता है एगेरिकस कैंपेस्ट्रिस, या फिर उसका एक अनदर नेम है दैट इज कॉल्ड सेल्योटा कैंपेस्ट्रिस। सेल्योटा कैंपेस्ट्रिस कहें या फिर एगेरिकस कैंपेस्ट्रिस कहें, एक ही बात होती है, और ये ही सबसे एडिबल मशरूम माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे इंडिया में होता क्या है, ये साउथ इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में इसको कल्टीवेट किया जाता है, लेकिन पता है होता क्या है कि जो एगेरिकस हैं इसी स्पीसीज के बेसिकली कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो कि पॉइजनस है, यानी कि जहरीले होते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाती है मतलब कि ये चूज़ करने में कि कौन सा एडिबल है और कौन सा पॉइजनस है। लेकिन फिर भी जो पॉइजनस मशरूम्स होते हैं उनको हम टोड स्टूल्स के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछा गया था कि जो टोड स्टूल होते हैं वो क्या होते हैं, तो पॉइजनस मशरूम्स को हम लोग टोड स्टूल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो कि पॉइजनस हैं, उनका मैं यहाँ नाम मेंशन किया, जैसे कि एमेंटिया मस्केरिया, ये पॉइजनस स्पीसीज है एगेरिकस की। एगेरिकस वर्ना, एगेरिकस फेलियोर्स, ये ऐसी स्पीसीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेडली पॉइजनस होती हैं सभी मशरूम्स में, तो हमको इनको मार्क कर लेना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि बहुत सारे क्वेश्चन मतलब रिसेंट में इन्हीं से पूछे जाएं, तो हमको ये हर एक पॉइंट को नोट करते चलना है। बाकी हम इसके बारे में कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं एगेरिकस के बारे में, उम्मीद करते हैं आपने कंसेप्शन साथ पूरा सेशन देखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।